हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ गुलमर्ग व्लॉग। जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर हम निकल गए श्रीनगर से गुलमर्ग और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल रॉयल पार्क। और ये है वो मिसमराइजिंग व्यू जहाँ पे है हमारा होटल। और अब चलते हैं अंदर, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा बाहर का सिटिंग एरिया दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पे बैठ के धूप सेक सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है एंट्रेंस और अब हम आ गए हैं इस होटल की लॉबी में। ये देखिए, ये खड़े हैं प्रथम रिसेप्शन में बात करते हुए और यहाँ बैठे हैं माँ पापा वेलकम ड्रिंक को इंजॉय करते हुए। प्रथम वेट कर रहे हैं कि रूम जल्दी से क्लीन हो और हम लोग फटाफट लगेज रूम में रख के निकले अपने डेस्टिनेशन के लिए। और ये हूँ मैं वेलकम ड्रिंक एंजॉय करती हुई। और आप देख रहे होंगे कि इस होटल में काफ़ी ज़्यादा यूनिक शोपीस आइटम है और यहाँ की सिटिंग भी बहुत कंफर्टेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे सोफ़ाज रखे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ के शोपीस काफ़ी एंटीक हैं। ये देखिए, और यहाँ पे इनकी अंदर एक शॉप भी थी शायद। और ये देखिए, ये है क्रोकोडाइल, ये भी एक शोपीस ही है ऑब्वियसली। और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर अपने रूम में। मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ जाकर मैंने फटाफट की चेंज ड्रेस क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन जो कि है गंडोला राइड। वैसे तो हमारे होटल से गंडोला राइड का स्टेशन सिर्फ 20 से 30 मिनट दूर है, बट हम लोग रास्ते में फोटोज़ और वीडियोज़ बनाते हुए गए सो हमें ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लगे। कौन है गाइड अपना? वो है ना, ये आप हो? हाँ, मंदूर। हम लोग कोई मंदूर है, आप गाइड। वैसे आप चाहे तो अपने होटल से कैब या पोनी राइड भी कर सकते हैं गोंडोला राइड के स्टेशन तक के लिए, बट हमने कल पूरे दिन सोनमर्ग में पोनी राइड की है सो अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि फिर से हम वो सब करें, सो हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करके जाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द गंडोला राइड जो कि हम करने वाले हैं। वो एग्जैक्टली एक केबल कार है एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड हाइस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड जो कि गुलमर्ग में है। और इसके दो फेज़ होते हैं, फेज़ 1 में हम जाते हैं कोंगडोरी स्टेशन एंड फेज़ 2 में जाते हैं अफरवाट पीक। और अब हम पहुंच चुके हैं गोंडोला राइड के स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, शायद हम सही टाइम पर पहुँचे हैं इसलिए। और आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इस गोंडोला राइड के पीछे, सो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। और एक्साइटमेंट के पीछे का रीज़न एक और है, वो ये है इसका फेज़ 1 8500 फीट हाइट पर है एंड इसका फेज़ 2 14000 फीट हाइट पर। आप अगर टोटल करेंगे ऑलमोस्ट 23000 हाइट पर हम जाने वाले हैं, सो एक्साइटमेंट तो बनती है ना। और ये देखिए, ये आई हमारी गोंडोला राइड, फाइनली हमारा नंबर आ गया और अब हम बैठने जा रहे हैं केबल कार के अंदर। ये और ये जो वीडियो है ये हमारे गाइड वाले भैया ने बनाई थी हमारी और वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। दो लाइट बहुत कम थी बट जैसी भी थी मुझे यहाँ की वीडियो चाहिए थी एंड ही जस्ट मेड इट, सो आई वॉज सो हैप्पी। और यहाँ पे एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली। यहाँ के गार्ड मुझे और प्रथम को अकेले भेज रहे थे एक केबल कार में, उनको लगा कि हम न्यूली मैरिड हैं सो एज अ हनीमून कपल वो लोग हमें अकेले भेज रहे थे एक केबल कार में, जबकि हर केबल कार में कम से कम 6 मेंबर्स जा सकते हैं और उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी। सो इस गपशप के बाद हमने बनाई वीडियोस और क्लिक की बहुत सारी पिक्चर्स गंडोला राइड और उसके व्यू को एंजॉय करते हुए। अच्छा, फॉग होता है तो नहीं दिखेगा, फॉग होगा तो अच्छा, लेकिन राइड जाती होगी। और ये है वो पिक्चर्स जो हमने क्लिक की थी ड्यूरिंग द राइड। नाउ लेट्स एंजॉय दिस सीनिक ब्यूटी।
सो अब हम पहुंच चुके हैं फेज वन जो है कोंगडोरी स्टेशन। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है अपरवाट पीक। और ज़्यादा टाइम यहाँ हमने स्पेंड नहीं किया क्योंकि फेज़ टू के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, तो हम लोग फटाफट से लाइन में लग गए। और ये देखिए प्रथम वीडियो बना रहे हैं, पापा, लाल भैया, माँ सब यहीं खड़े हैं। और प्रथम ने जैसे मुझे देखा बोला कि अब जल्दी से तुम लाइन में लग जाओ क्योंकि हमारा नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। सो अब देखिए हम लोग बैठ चुके हैं फिर से केबल कार में, गोंडोला राइड में। ये देखिए इस बार थोड़ी लाइट थी सो मैंने अपनी वीडियो थोड़ी अच्छे से बनवा ली क्योंकि लास्ट राइड में बहुत कम लाइट हमारे फेस पे पड़ रही थी। सो इस बार मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। एंड ये देखिए मैंने पिक्स भी क्लिक करी हैं। उसके बाद हमने व्यू को एंजॉय किया और हंसी मजाक करते हुए पहुंचे फेज टू में। दो घंटे में पहुंच जाओ ऊपर पैदल। हाँ आप वहाँ पे बैठो, मैं आधे घंटे के बाद। मैं लगा बोल वापसी में किसी से धक्का दे दिया, आधे घंटे में उतर जाओ। और क्या, मैं यहाँ पे रहूंगा, टाटा भी करूंगा। आएगा आदमी, चलो आज तरफ लगाएंगे। देखो लोग वहाँ हैं, वहीं पे चल रहे। खिलन मर के क्या, ये अफरवट है, अफरवट कितनी दूर है वो देखो, इंडिया का झंडा कहाँ पे, ये कैंप है अपना। अब हम पहुंच चुके हैं फेज टू में जो कि है अफरवट पीक। और कहते हैं कि यहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, बट लकीली हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हमने काफ़ी एंजॉय किया। तो उसके बाद मैंने फटाफट सोचा फ़ोटोशूट कर लेते हैं, हम पोस्ट ट्राई कर रहे थे। और ये है वो सारी पिक्चर्स जो हमने यहाँ पे क्लिक करी। इसके बाद हम गए दूसरे पॉइंट पर और हम यहाँ बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या पोज करें क्योंकि हमें एक फैमिली पिक्चर चाहिए थी, बट बोरिंग टाइप नहीं। और ये देखिए ये है वो पिक्चर। इसके बाद मैंने लाल भैया का थोड़ा सा फोटोशूट किया और फोटोशूट के बाद हमने इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय किया, वहाँ बैठे और इस नेचर की ब्यूटी को प्रेज किया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है, ये अफरवट पीक पर आर्मी मिलिट्री कैंप है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग वापस जा रहे हैं। नीचे पहुंचने के बाद हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और हम निकल पड़े वापस होटल। ये देखिए मैं जा रही हूँ पापा, और ये है हमारा होटल। This way is for the cars and fuel. Or by walking, you can just ride onto the stairs.
फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। इसके बाद किया हमने बहुत सारा रेस्ट और इस तरह से हमने अपना हाफ डे स्पेंड किया गुलमर्ग में। और बाकी बचे हुए दिन में हमने क्या किया ये जानने के लिए वेट करिए गुलमर्ग ब्लॉग के पार्ट 2 का।